अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर एसे टू अर इज ह्यूमन। वी आर गोइंग टू क्रिटिकली एनालाइज द एसे व्हाइल रीडिंग इट्स टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। द एसे टू अर इज ह्यूमन इज अबाउट ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स एंड देयर एरर्स। सो जैसा कि टाइटल हमें बताता है, टू अर इज़ ह्यूमन, सो इट शोज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो अभी यहाँ पर सिंपल ह्यूमन बींग्स की बात नहीं होगी, बट इन कंपेरिजन विद द कंप्यूटर्स। तो चूंकि कंप्यूटर का दौर है, तो सब लोगों को पता है कंप्यूटर्स में हम काम करते हैं, कुछ समटाइम्स कंप्यूटर में एरर्स भी हो जाते हैं। तो राइटर जो है वो इन दोनों का कंपेरिजन करके, इन दोनों के एरर्स का कंपेरिजन करके हमें ये ऐसे की बात बता रहे हैं जी, टू अर इज़ ह्यूमन। और नॉर्मली जो है टू अर इज़ ह्यूमन, इट इज़ टेकन नेगेटिवली। लोग इसको बात करते हैं कि ये कोई नेगेटिव किस्म की क्वालिटी है, जिसको वो क्वालिटी भी नहीं कहते हैं, इनफैक्ट वो इसको इनकैपेसिटी कहते हैं, इनकैपेबिलिटी कहते हैं ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि टू अर इज़ ह्यूमन, इसको पॉजिटिवली डील किया है। और राइटर का ख्याल है कि दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के, जिसकी वजह से हम आज कंप्यूटर्स तक पहुँचे हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग का सफ़र करते हुए हम कंप्यूटर्स तक पहुँच गए हैं, सो दिस इज़ ओनली ड्यू टू दिस क्वालिटी, दैट इज़ टू अर इज़ ह्यूमन, के इंसान जो है वो गलती का, खता का पुतला है। अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स वर्किंग इन अ वेरी लाइट मैनर, बहुत ही लाइट से वे में, बहुत लाइटली जो है राइटर हैज़ डिस्कस्ड ह्यूमन बींग्स, उनके अरिंग क्वालिटी को, कंप्यूटर्स को, उनके एरर्स को। और वो इसमें वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो चीज़ों को एनालाइज करता है, और एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग भी आ जाती हैं सामने। सो इट कैन नेवर बी राइट ऑल द टाइम्स। तो इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी लाइटली डिस्कस्ड एसे। Mistakes are at the very base of human thought, feeding the structure like rude nodules. जी, राइटर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट जो वो लेकर आता है हमारे सामने, वो इस चीज़ से बात शुरू करता है टू अर इज़ ह्यूमन की, कि जी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन थाट है, उसकी बेसिस पर है मिस्टेक्स। यानी हमारे अंदर रची बसी हुई है मिस्टेक्स को करना, और ये हमारे अंदर इसी तरह से रूट नोड्यूल्स जो हैं वो, अगर आप लोग साइंस आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा रूट नोड्यूल्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। और वहाँ से जो, अगर हम नोड्यूल्स की बात करें, रूट नोड्यूल्स की, तो वो सेल्स के बहुत अंदर जाकर वो उसकी बात हो रही है। तो ये रूट नोड्यूल्स पर, यानी कि वहाँ पर जो ये बात की जाती है कि जिस वक्त मैसेज कन्वे होता है ब्रेन से फॉरवर्ड होता है, तो उसमें रूट नोड्यूल्स का बहुत ज़्यादा जो है वो काम आ जाता है। इट मीन्स कि जो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन में हमारी वर्किंग हो रही है, उस वर्किंग के अंदर ये चीज़ जो है वो कोडेड है कि हमने मिस्टेक करनी है। लोइस थॉमस असर्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एरर्स इन लाइफ। और इस पूरे एसे में हमें, अगर आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एसे, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस एसे टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एरर्स इन ह्यूमन लाइफ, कि इंसान की ज़िंदगी में इन एरर्स ने क्या रोल प्ले किया और क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एवरी न्यू थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड और डिस्कवर्ड थ्रू एरर्स। तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आज हम जिस चीज़ पर, अभी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स का हमने जो जर्नी स्टार्ट किया था, वी हैव रीच्ड दिस कंप्यूटर्स, तो इस मॉडर्न एरा में हम कंप्यूटर से भी आगे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर्स इन दिस एसे। तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो राइटर ने कहा कि हम अगर कंप्यूटर्स तक भी पहुँचे हैं, तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू दिस एरर मेकिंग क्वालिटी। अ पॉजिटिव कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग means making mistakes, उसने इसको पॉजिटिवली लिया है। हम पहले भी बात कर चुके हैं जी, वी आर बिल्ट टू मेक मिस्टेक्स,
कोडेड फॉर एरर. हमारे अंदर जो है ये चीज़ बाय नेचर रख दी गई है कि हमने मिस्टेक करनी ही करनी है, हमसे गलती होनी ही होनी है. लेकिन प्लीज़ अभी आप असाइनमेंट्स बनाते हुए गलत मत करिएगा और इसको ऐसा मत लिखिएगा या पेपर में आप लिख दें बनाए जी अगर मैंने पेपर गलत कर दिया तो दिस इज़ टू अ रिज्यूमेन, तो दिस इज़ फॉर अगर इसको हम देखें तो पॉजिटिव प्रोग्रेस, तो आप इसको गलत मत करें. तो इस तरह की बात आपने नहीं करनी है. वी आर बिल्ट टू मेक मिस्टेक्स कोडेड फॉर एवर, कोडेड फॉर एरर. हम गलती करते हैं और अपनी गलती से बहुत कुछ सीखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करते हैं या कोई असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं और आप उसको खुद से चेक करते हैं, उससे टेले करते हैं आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ या आप अपने जो आपको लेक्चर दिया जाता है उसके साथ करते हैं, तो जो आप अपनी मिस्टेक्स, आप अपनी एरर्स को निकालते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो उससे आप लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपसे वो एरर नहीं होता. या एटलीस्ट आपको पता होता है कि जी आप अगर एक मिस्टेक आपकी वंस अपॉन अ टाइम अगर आपकी कोई मिस्टेक पकड़ी गई है, कोई एरर आपसे हो गया है, तो वो आप नेक्स्ट टाइम वो एरर नहीं करेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे, ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है, ह्यूमंस लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स. यानी पूरे एसे में राइटर ने आपको प्रूव करना है कि जी अगर हम सीख रहे हैं तो दिस इज़ ओनली थ्रू मेकिंग आर मिस्टेक्स. ऑल द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू दिस एरर मेकिंग कैपेसिटी. आज दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इवन आप फैशन की दुनिया में भी चले जाएँ, आप जानते होंगे कि जिससे कोई ख़राबी हो जाती है, इवन अगर मदर से कुछ लंच बनाने में कोई स्नैक्स बनाने में कोई गलती होगी तो मदर कहेगी बच्चे से कि जी मैंने नए स्टाइल का बनाया है. तो इसी तरह टेलर से अगर कुछ करते हुए, कटिंग करते हुए कुछ ख़राबी होगी तो उसने कहना जी मैंने नए फैशन का बनाया है. और समटाइम्स वो वायरल भी हो जाती हैं चीज़ें इस किस्म की. आजकल तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना कि किस तरह से आपकी एक मिस्टेक जो है वो वायरल हो जाती है और उसके बाद वो ट्रेंड बन जाता है. तो आप समझ लीजिए कि जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनसे हम सीखते हैं और उससे हम लर्न करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने नई आती हैं. ऑल द प्रोग्रेस विद वॉज ड्यू टू दिस एरर मेकिंग कैपेसिटी. द ओनली कैपेबिलिटी नीडेड फॉर प्रोग्रेस. आज अगर हम बहुत सारे नया काम कर चुके हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ एरर मेकिंग की वजह से है. लैकिंग दिस एबिलिटी देर वुड बी नो प्रोग्रेस. तो इसके बाद आगे जाकर राइटर जो है वो हमें ये कंपैरिजन भी करने जा रहा है कि जिनके पास, जिन क्रीचर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है ऑफ मेकिंग एरर्स, तो वो उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या उन्होंने कोई प्रोग्रेस की है. तो इस चीज़ को वो एक अपने लिए लेकर आता है प्रूफ के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर कि जी आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को बनाता है कि जी अगर ये एबिलिटी ना होती तो ह्यूमन बीइंग्स भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे. एरर ओपन्स द वे टू प्रोग्रेस, ये उसने बात की है जी. स्टार्ट इसी से किया, एरर ओपन्स द वे टू प्रोग्रेस. किस तरह से करता है जी, बिकॉज एरर फोर्सेस अस टू थिंक एंड रीथिंक. कि हम जब एक गलती कर लेते हैं तो फिर हम उसके बाद सोचते हैं कि हमसे गलत हुआ क्या है, क्या आप जो आपने लिखा है क्या उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब अगर हम इसको असाइनमेंट लेवल पे बात करें तो. कोई भी किसी किस्म का भी जो एरर है वो हमें बताता है, हमें मजबूर करता है कि हम सोचते हैं उसके ऊपर. और उसके बाद क्या होता है कि वी एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स. हम मज़ीद उसका हम सोचते हैं कि इसका कोई और हल क्या हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे अम्मी ने कोई काम दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है आपसे, वो काम ख़राब हो गया, या टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है वो आपसे ख़राब हो गया. अब वो आपसे एक मरतबा ख़राब हुआ, जब दोबारा आप बनाने लगेंगे तो आप उसके अल्टरनेटिव्स को सोचेंगे कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं. अब वो जो अल्टरनेटिव्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि वो भी सारे के सारे सही हों, हो सकता है कि दो तीन उसमें से भी गलत हो जाएँ. तो क्या होगा कि वी एक्सप्लोर दोज अल्टरनेटिव्स, मेक मोर मिस्टेक्स एंड गेट टू द राइट रिजल्ट्स. और फिर क्या होता है, फाइनली अल्टीमेटली वी कम टू द राइट रिजल्ट कि जी अभी हम सही बात पर पहुंच जाते हैं. और फिर हम कहते हैं कि हाँ अगर इसको हम इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. जैसे आप मैथ्स में कोई फार्मूला अगर लगाएंगे तो फिर वो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये फार्मूला लगाया जाए तो फिर आंसर बिल्कुल ठीक आता है. तो वो क्या हुआ, आपके जो मैथ्स के फार्मूलाज हैं वो भी इसी किस्म के रॉन्ग अल्टरनेटिव्स को एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके, तो वो राइट फार्मूलाज पर पहुँचे हैं जी. उसके बाद है जी, राइटर इसको कहता है कि दिस इज़ यूनिकली ह्यूमन गिफ्ट.
जो टू अर इज ह्यूमन है, मेकिंग एरर्स है, वो इसको यूनिकली ह्यूमन गिफ्ट कहता है। जी आपको पता है कि रेड्स जो है वो हमारे जितने भी हैं वो हमारा टेक्स्ट है जिसको हमने अंडरलाइन भी करना है और हमने लर्न करना है फॉर आर असाइनमेंट्स। द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग मिस्टेक्स हैव बीन रिटन इन आर जीन्स विच डिज़ाइन आवर बिहेवियर। तो ये जो है ना जी मिस्टेक, पहले भी हमने पढ़ा कि हम कोडेड फॉर एरर हैं, तो हमारे जीन्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हमने गलती करनी है, और ये जो हमारे जीन्स के अंदर कोडिंग हो चुकी है, इस कोडिंग की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, वो उसका जो डिज़ाइन है उसमें जो चेंजेस आती हैं वो उसी जीन्स के कंट्रोल की वजह से आती हैं। क्यों आती हैं? बिकॉज नेचर वॉन्ट्स अस टू मेक मिस्टेक्स, नेचर की मर्ज़ी है कि हम मिस्टेक्स करें। तो अदरवाइज नेचर ये चाहती कि हम मिस्टेक्स नहीं करते तो आज हम केव्स में ही रह रहे होते, हम घर नहीं बना रहे होते, हम खाना पका कर नहीं खा रहे होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि मिस्टेक्स से हमने सीखी हैं। एरर गाइड फॉर एक्शन, एरर जो है वो डिज़ाइन करता है, वो हमें कंट्रोल करता है, और उसके बाद हम पता चल जाता है हमें कि हमने किस तरीके से जो है वो काम करना है। जी मिस्टेक्स आर नॉट बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ गुड मशीन। जी अब राइटर आ जाता है मशीन्स की तरफ, एंड कंप्यूटर्स आर मशीन्स, जी आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो राइटर का ये ख्याल है कि जी जो अगर हम मशीन की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कंप्यूटर से गलती कैसे हो सकती है, तो हो ही नहीं सकता है। तो ये उसने कहा है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो उसका नॉर्मल बिहेवियर ये है कि वो मिस्टेक्स नहीं करे। The computers are not expected to make errors because the computer has been made infallible, कि उससे गलती की गुंजाइश नहीं है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। If they send you the wrong bills or do some other mischief, it may be the fault of the man operating it. अब क्या है कि अगर आपको कोई रॉन्ग बिल आ जाता है, या गलती से कोई आपको मैसेज आ जाता है, या आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने की बजाय किसी और के अकाउंट में चले जाते, किसी और के पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर एरर कहते हैं। अक्सर आप जाएंगे जब इस तरह के ऑफिसेज़ में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी कंप्यूटर एरर, कंप्यूटर एरर। तो राइटर क्या कहता है जी, इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग इट मस्ट बी अ पर्सनल ह्यूमन एरर, कि जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा होता है ना तो उसने गलती की होती है। तो अब आपने ह्यूमनली ग्राउंड्स पे थोड़ा इस चीज़ को कंसिडर करना है, ऐसा नहीं हो कि अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई कंप्यूटर एरर कहे तो आप कहेंगे नहीं जी हमें तो लोइस थॉमस ने इस ऐसे में ये बताया था कि जी वो मैन की गलती, उस आदमी की गलती जिसने उसको ऑपरेट किया, तो हमें वो बंदा दें। तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। राइटर इसको डिस्कस कर रहा है, हमें बता रहा है in a positive way, so we must take it positively as well. These mistakes are the mistakes of the man. So computer se mistake ho to samajh lijiye ki these are the mistakes of the man. क्यों? Because computers represent an extension of the human brain. अब उसने कहा कि जी computers बने कैसे, तो computers जो हैं वो भी by mistake ही हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो कंप्यूटर्स एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की एक एक्सटेंशन है, और अभी जिस तरह से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना है और उसका कैरेक्टर आपने आई होप कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे चैनल्स पर, तो वो आपको पता चल रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आप सोच लीजिए कि वो फर्दर एक्सटेंशन है, और वो बहुत क्लासिफाइड आप उसको कहेंगे कि इतना क्लोज जो है वो ह्यूमन बींग्स के करीब उसको बना दिया गया है। तो ये जो कंप्यूटर, जब फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था जो बहुत बड़ा वाला था, तो वो एक्चुअली वो क्या था, ह्यूमन ब्रेन की एक्सटेंशन थी, कि आदमी ने, ह्यूमन बींग्स ने ये सोचा कि हम अपनी आसानी के लिए एक ऐसी चीज़ बनाएं कि हमें जो है वो वर्किंग ना करनी पड़े, उसकी जगह पर जो है वो आपका कंप्यूटर वो वर्किंग करे। तो आप ये देखें कि हमारे जो कैलकुलेटर्स हमने बहुत बचपन से ही देखे हैं, तो वो जो कैलकुलेटर्स हैं वो मिनी कंप्यूटर्स आप उसको कह सकते हैं, वो भी एक मशीन है और वो ह्यूमन ब्रेन की एक्सटेंशन है, कि आपको जमा तफरीक नहीं करना पड़ता है, आपको ऐड सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, वो सारी मल्टीप्लिकेशंस, वो सारी की सारी डेरिवेशंस जो हैं वो आप उधर से कर सकते हैं। तो मैन हैज़ मेड मशीन्स और कंप्यूटर्स, सो द एरर्स डन बाय देम आर द मिस्टेक्स ऑफ मैन। तो चूंकि ये एक्सटेंशंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, तो अगर फिर भी अगर कोई कहे कि जी नहीं ऑपरेटर तो पीछे बैठा ही नहीं हुआ था, ये तो ऑटो सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, तो फिर आप समझ लीजिए, आप फिर भी ये कह सकते हैं, आर्ग्यू हमारे पास मौजूद है, राइटर ने हमें कह दिया है कि चूंकि आदमी ने उनको बनाया है कंप्यूटर्स को, मशीन्स को, तो इसीलिए वो अगर कोई एरर्स भी करेंगे तो वो भी मिस्टेक ऑफ मैन ही कंसिडर होगी, क्योंकि उसको बनाने वाला वही है। अगर आपको इंडियन मूवी एक रोबो है, अगर वो आपको याद हो, तो उसमें
यही किया जाता है कि रोबोट अगर कोई गलती करता है तो उसको उसके क्रिएटर के लिए जो है उसको ब्लेम किया जाता है कि उसने चूंकि उसको बनाया है तो इस वजह से है। जी मैन लर्न्स अ लॉट थ्रू दीज मिस्टेक्स एंड इज अनेबल टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड। तो जो इंसान है वो अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखता है। और जब हमने अपने लिए बात करनी हो तो डेफिनेटली हम यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंसान अपनी गलती से सीखता है, लेकिन दूसरों को हम ये ऑफ़र बिल्कुल नहीं कर रहे होते और ना ही हम उनके लिए ऑप्शन छोड़ रहे होते हैं। हालांकि राइटर ये कहता है कि इंसान अपनी मिस्टेक से सीखता है, इज एबल टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड, और उसकी बेसिस पे वो जो लर्निंग होती है उसकी बेसिस पे वो बहुत सारी नई चीज़ें कर सकता है। और उससे ज़रूरी नहीं कि राइट वे जो है वो एक ही हो, वो उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल किस्म के जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं वो आ सकते हैं। इफ़ मैन गिव्स फ्री हैंड टू कंप्यूटर्स दे कैन हेल्प अस नो ऑफ मोर मिस्टेक्स मोर प्रोग्रेस। अब इंसान अगर कंप्यूटर्स को, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें फिर क्या होगा कि हम मज़ीद अपनी मिस्टेक्स को सीख सकते हैं, और मिस्टेक्स ज़्यादा मिस्टेक्स का मतलब है कि ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। Man has the power to choose and desire to know about things around him. ये उसको क्वालिटी जो है जो दी गई है। अब राइटर उसको क्वालिटी से पहले उसको पॉजिटिव उसको एक एक्टिविटी बताया है, पॉजिटिव कैपेबिलिटी बताया है, उसके बाद वो उसने उसको प्रोग्रेस का रीज़न बताया है, और अब उसने कहा है कि जी वो हमारी पावर है जो अर्निंग जो है क्वालिटी जो है वो हमारी पावर है, क्योंकि हमारे अंदर इसकी वजह से ये जो है वो हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट आता है कि हमें चूज़ करना है और हम डिज़ायर कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जिसमें से हम कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नीडेड फॉर प्रोग्रेस इज़ द मूव बेस्ड ऑन एरर। तो हमें अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, द मूव बेस्ड ऑन एरर, के गलती से इंसान सीखता है। तो वो जो मूव एक हमने करनी होती है ना एरर करने के बाद, वो हमें सिखाती है और वो द परफेक्ट मास्टर होती है जिसके बाद हम दोबारा से वो गलती नहीं करते हैं। इफ़ वी वर अनेबल टू मेक एनी मिस्टेक वी वुड नेवर हैव मेड एनी प्रोग्रेस। अगर हमने मिस्टेक ना की होती, पहली मिस्टेक ही ना हुई होती, या हमारे अंदर ये कोडिंग ना होती, हम गलतियाँ ना करते होते, तो हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते थे। ओनली ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर्स ड्यू टू विच वी हैव गॉट एलिवेशन इन लाइफ, कि आज हम जिस बुलंदी पर पहुँच रहे हैं इसी वजह से पहुँच रहे हैं, इट इज पुट इन टू द नेचर ऑफ द मैन। सो मैन इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन इन्वेंटिंग न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स बाय ट्रायल एंड एरर, कि बार बार हम ट्राई करते हैं रॉन्ग अल्टरनेटिव्स को, हम ट्राई करते हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं। समटाइम्स हम खुद ही कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम दूसरों के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उन चीज़ों से लर्न करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी लव टू लर्न आर ऑन आर ओन, कि हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं जब तक मैं खुद नहीं करके देखूंगा ना तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। तो ये जो एक चीज़ ये भी होती है, तो हम चीज़ हम दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें या अपने एक्सपीरियंस से सीखें, वी कम टू द newer things or discoveries or inventions only by trial and error, कि हम अपनी गलती करते हैं, बार बार की गलतियों से हम सीखते हैं। तो exploration is based on human fallibility, तो ये जो explore करना है नई से नई चीज़ें, ये हमारी जो fallibility है ना, हमारी जो quality है जो हम making error की, उसकी वजह से ये उसके ऊपर बेस्ड करती है। अगर वो ना होती तो हम नई चीज़ें explore ही ना कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर ये instinct ही ना होती कि हम कुछ करें। वी हैव वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड मैनी चॉइसेस बिफोर अस एंड वी हैव टू चूज़ द बेस्ट। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें उसमें से एक जो है वो चूज़ करना होता है। जैसे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास, आपको उनमें से अच्छे वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाद में आकर अपने सब्जेक्ट चेंज करा रहे होते हैं कि जी हमसे रॉन्ग चॉइस हो गई। तो वो जो एक रॉन्ग चॉइस है उसकी बेसिस पर वो अपना एक्सपीरियंस किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट भी वो उस चीज़ से लर्न कर सकते हैं कि अब उन्होंने वो सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है। सो चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स जो है, ये असल में हमें जो चॉइस दी गई है ये हमें इस क्वालिटी की वजह से दी गई है। दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज़। अब ये जो रॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स और बार बार आए चले जाते हैं और हम सारे उनको ट्राई कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम किसी राइट वाले चॉइस पर पहुंचते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी पूरी लाइफ में चलता रहता है। वी मेक एन इन्वेंट और डिस्कवर मैनी थिंग्स, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई बना सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। वी गेट अलॉन्ग इन लाइफ दिस वे, और ये राइटर ने भी कहा कि इस तरीके से हम जिंदगी में आगे
आगे बढ़ते हैं, और इसने उसको स्प्लेंडिड फ्रीडम कहा है, जो एक्सप्लोरेशन है, जो चॉइस को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे सामने हैं और हमें उसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, उस चीज़ को उसने स्प्लेंडिड फ्रीडम कहा है, जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को अवेलेबल है और किसी क्रिएचर को नहीं है। तो अब उसने वो इस कंपैरिजन पे आ गया है, उसने कहा कि जो ये वाला स्प्लेंडिड फ्रीडम है, इट इज़ इन्जॉयड बाय द ह्यूमन बीइंग्स ओनली, और कोई क्रिएचर इसको नहीं कर रही है। उसके लिए वो कंपेयर किससे कर रहा है जी, लोअर एनिमल्स के साथ। इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इंसान कोई हायर एनिमल्स, सोशल एनिमल कहा जाता है। तो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग्स तो वैसे भी मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स की बात तो सारे लोअर एनिमल्स ही है ना, तो इंक्लूडिंग मतलब मैमल्स एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो वो सारे के सारे लोअर एनिमल्स ही कंसिडर होते हैं। तो लोअर एनिमल्स के लिए उसने कहा कि डू नॉट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। उनके पास चॉइस की फ्रीडम नहीं है, उनके पास ये वाला स्प्लेंडिड फ्रीडम नहीं है। सो आपने ये समझना है, टू अर इज ह्यूमन जो है, इट इज़ अ स्प्लेंडिड फ्रीडम, ये आपके राइटर ने हमें बताया है। दे यानी ये द लोअर एनिमल्स आर लिमिटेड टू एब्सोल्यूट इनफॉलिबिलिटी। अब ये द लोअर एनिमल्स जो है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है ताकि आपको दे से समझ आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दे आर लिमिटेड टू एब्सोल्यूट इनफॉलिबिलिटी, इनफॉलिबिलिटी उनके अंदर होती है, वो इनफॉलिबल होती है, उनसे कोई गलती नहीं होती है। इंसान जो है वो फॉलेबल है, उससे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव सच अ क्वालिटी, अब उनके पास एक तो ये फ्रीडम नहीं होता, दूसरा वो गलती नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, सो वी फाइंड नो चेंज इन देयर लिविंग स्टाइल सिंस बिगिनिंग। तो जब से दुनिया शुरू हुई है वो तब से जिस स्टाइल में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। शेर ने घर में आकर रहना शुरू नहीं कर दिया, कोई जिराफ्स ने अपने लिए अलहदा से घर नहीं बना लिए हैं, जो पानी में रहते हैं जानवर वो पानी में रहते हैं, जो जिसका जो हैबिट है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और वो इसके अलावा वो लैंड पर भी रहते हैं, तो लेकिन जो उनकी जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल जिस तरह से वो चलता है वो उसी तरह से कंप्लीट होता है कि उन्होंने एग लेइंग किधर करनी है, उसको कहाँ रखना है, उसके बाद फिर पानी में चले जाना है। ये सब आपको ये बहुत सारे एनिमल्स की हैबिट्स में पता होगा। इसके अलावा आप अगर बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स जो हैं, आप उनको केज बना दें, वो कभी उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि ये उनका घर है, वो घर वो जो ख़ुद से उन्होंने बनाना है, या आप उनको एक उस तरह का एक छोटी सी जगह प्रोवाइड कर दें जहाँ पर वो अपने ला कर फिर भी वो उसमें अपने तिनके रखेंगे तो फिर ही वो अपना वो नेस्ट बनाएंगे। तो अब क्या है जी, स्पैरो बिल्ड्स अ नेस्ट इवन टुडे, कि जो हज़ारों साल पहले भी वो जिस तरीके पर रहते थे आज भी उसी तरीके से, किसी भी शेर चीते ने, किसी भी गाय भैंस ने बर्गर खाने शुरू नहीं किए हैं बिकॉज दे डू नॉट लाइक सच काइंड ऑफ चेंज। हाँ, कुछ एनिमल्स जो हैं वो आपकी मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह से वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़रूर इंजॉय कर लेते हैं। विशेज टू नो द रियलिटी ऑफ थिंग्स, मैन ऑब्जर्व मेक्स गेसेस एंड वेरीफाइज दैम। अच्छा, ये एक जनरल बात की, अगर किसी के जहन में आए कि जी आजकल तो बहुत सारी एनिमल्स की जो है वो डिफरेंट किस्म के फूड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो उनके टेस्ट को ही जो है वो किसने एनिमल्स ने तो नहीं बनाया, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, तो वो उनको करते हैं। और वो भी आप देखेंगे कि वो बहुत लिमिटेड सेट्स ऑफ एनिमल्स जो हैं सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। तो एक जनरल बात करता है राइटर, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर एनिमल्स का जो लिविंग स्टाइल है वो वैसे का वैसे है। तो इंसान के अंदर क्या है जी, विशेज टू नो द रियलिटी ऑफ थिंग्स, मैन ऑब्जर्व मेक्स गेसेस एंड वेरीफाइज देम। जो इंसान के अंदर जो क्वालिटी है ना जी, कि वो रियलिटी ऑफ थिंग्स को यानी कि एक्सप्लोर करना चाहता है कुछ, यानी कि जैसे किसी वो जो मोहल्ले की खाला होती है उनको कितनी ज़्यादा ये ज़रूरत होती है एक्सप्लोर करने की कि फलां घर में क्या हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन है, इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो कुछ गेस करते हैं कि अच्छा ज़रूर यही हुआ होगा, तो फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करने वहाँ पहुँच जाते हैं। सो फिर उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि वो बहुत मतलब रॉन्ग गेस होता है उनका, और जब वेरीफिकेशन की जाती है तो पता चलता है कुछ और बात है, तो वो कैन नेवर गेट एनीथिंग यूज़फुल डन जब तक हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। हम गलती नहीं करते, हम गलती से कोई भी यूज़फुल चीज़ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इट इज़ नॉट अ सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, रॉन्ग चॉइसेस एंड गेसेस आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट वन। कि पहले हम रॉन्ग चॉइसेस करते हैं, हो सकता है कि समटाइम्स आप देख लीजिए ना कि उसके अंदर से वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो, अगर कि आप से आप पहली मर्तबा करें और पहली मर्तबा में सही हो जाए तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये किस तरीके से जो है इसको काम को करना है। लेकिन जब आप रॉन्ग कर करके उस चीज़ तक पहुँचते हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस्ड कहलाते हैं।
तो व्हाट वी नीड फॉर मूविंग अहेड इज अ सेट ऑफ रॉन्ग अल्टरनेटिव्स. आगे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे रॉन्ग अल्टरनेटिव्स को ट्राई करने की, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है जी. दिस इज़ द ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. पहले भी हमने बात की, हम गलती से सीखते हैं. फॉर ह्यूमन बींग्स इट इज़ द ओनली वे टू लर्न. वी लर्न बाई ट्रायल एंड एरर. और यही है जो राइटर हमें बता रहा है जी, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं. इन फैक्ट द एबिलिटी टू मेक मिस्टेक्स इज द पावर ऑफ देयर नेचर. इफ़ दे डिड नॉट हैव दिस थिंग, दिस गिफ्ट ऑफ बींग रॉन्ग, दे वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग यूजफुल. हम किसी भी अच्छी चीज़ को कर ना पाते अगर हम रॉन्ग डूइंग्स ना कर सकते, हम गलती ना कर सकते, गलती से हम सीखते नहीं. सो दे लर्न बाई ट्रायल एंड एरर एंड नॉट बाई ट्रायल एंड राइट्स. हम गलती से सीखते हैं, हम दुरुस्त चीज़ से नहीं सीखते हैं. तो वाई नॉट ट्रायल एंड राइटनेस और ट्रायल एंड ट्रायम्फ. राइटर ने ये क्वेश्चन किया है रीडर से. उसने कहा कि जी हम ट्रायल एंड एरर ही कहते हैं हमेशा. हमने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हम सही करते हैं और सीख लेते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है. हम हमेशा गलती ही करके सीखते हैं. अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उसको अगर पता है कि गोल, अगर मैंने इस तरह से हिट किया बॉल को तो उसका गोल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो वो गलती से सीखेगा. फर्स्ट टाइम उससे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम जब जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस, क्यों हम कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा. तो वो यही है कि वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर. दे इंजॉय मेकिंग मिस्टेक्स. बिगर द मिस्टेक ग्रेटर द जॉय. जितनी बड़ी मिस्टेक्स होगी उतना मज़ा आएगा इंसान को. इंसान इस कैपेबिलिटी से सीखता, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं और उसके एक्सपीरियंसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करता है और ह्यूमन बींग्स से बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं. सो कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जी? सबसे पहला ये है, व्हाट क्वालिटी डिफरेंशिएट मैन फ्रॉम एनिमल्स? टू अर इज ह्यूमन है जी ये. और इसमें हम पूरी क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे अपने ऐसे की. नंबर टू इज़, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स? और डेफिनेटली प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है. तो इसमें भी हमारे पूरे ऐसे की क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा. सो ये आपने मतलब ओवरऑल एक जनरली आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आपके ऐसे का, तो उसमें आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. दिस इज़ फॉर ऑल. थैंक यू जी.